हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूज मेमो हुक को। हम जानेंगे कि कब हमें यूज मेमो हुक को यूज करना चाहिए और कब हमें यूज मेमो हुक को अवॉइड करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन है, हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है काउंट और हमारे पास एक फंक्शन है हैंडल इंक्रीज। हैंडल इंक्रीज में सिंपली हम अपने स्टेट वेरिएबल को +1 से इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है सम अप टू, जो कि 1 से लेके पास किए हुए नंबर तक के सम को कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट हम 1000 तक के सम को कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर हम 10,000 तक के सम को कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर हमारे पास सिंपली एक बटन है जिसके क्लिक पे हमने हैंडल इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया है और जो भी हमने सम को कैलकुलेट किया है उसे हम यूआई पर शो करा रहे हैं। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं और इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जो मेरा काउंट वेरिएबल है वो चेंज होगा। बट इसी के साथ साथ हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जितनी बार मेरा ये काउंट स्टेट चेंज हो रहा है उतनी बार मेरा ये सम अप टू फंक्शन कॉल हो रहा है। एक बार हम दोबारा इस प्रॉब्लम को देखते हैं, मैं कंसोल को क्लियर आउट कर देता हूं। अभी अगर मैं काउंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो मेरा काउंट की वैल्यू है ये चेंज होगी, साथ ही साथ मेरा ये जो सम अप टू फंक्शन है ये भी कॉल होगा। तो चलिए मैं इस काउंट बटन पे क्लिक करता हूं। अब मेरी वैल्यू हो गई है 9 और आप देखो कंसोल में सम अप टू 1000 और सम अप टू 10,000 के लिए ये जो सम अप टू फंक्शन है ये कॉल हुआ है। अभी अगर मैं बार बार इस बटन पे क्लिक करूं तो आप देखोगे बार बार मेरा सम अप टू फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी यहाँ पर बस मैं 10,000 नंबर तक के सम को फाइंड कर रहा हूँ, बट ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती चली जाएगी। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है यूज मेमो हुक। यूज मेमो हुक का यूज करके हम कैलकुलेटेड वैल्यूज को कैश कर सकते हैं सो दैट हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं कैसे हम यूज मेमो हुक का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं सिंपली यूज मेमो हुक को इंपोर्ट करता हूं रिएक्ट पैकेज से और जो मेरी ये फंक्शन कॉल है सम अप टू 1000 इसे मैं अभी के लिए कट कर देता हूं और यहां पर मैं यूज मेमो हुक को कॉल करता हूं। ये यूज मेमो हुक हमसे दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। जो सबसे पहली चीज यूज मेमो हुक हमसे एक्सपेक्ट करता है वो है एक फंक्शन। मैं यहां पे सिंपली एक फंक्शन पास कर देता हूं और जो दूसरी चीज ये हमसे एक्सपेक्ट करता है वो है एक डिपेंडेंसी एरे। ये डिपेंडेंसी एरे रिएक्ट यूज करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कब उसे ये पास किया हुआ फंक्शन दोबारा कॉल करना है। ये डिपेंडेंसी एरे सेम वैसे ही काम करता है जैसे यूज इफेक्ट का डिपेंडेंसी एरे काम करता है। यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल फंक्शन पास करेंगे जब जब वो चेंज होंगे तब तब मेरा ये जो फंक्शन मैंने एज अ कॉल बैक पास किया है ये कॉल होगा। अभी के लिए सिंपली मैं डिपेंडेंसी एरे को ब्लैंक रखता हूं और ये जो फंक्शन मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इसके अंदर सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूं सम अप टू 1000 और अभी अगर मैं कोड को सेव करूं कंसोल को क्लियर करूं और अभी अगर मैं इस काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे सम अप टू 1000 के लिए जो मेरा सम अप टू फंक्शन है वो बार बार कॉल नहीं हो रहा है। सम अप टू 10,000 के लिए मेरा ये सम अप टू फंक्शन अभी भी कॉल हो रहा है। तो चलिए मैं इस सम अप टू फंक्शन को भी यूज मेमो में रैप कर देता हूं। मैं सिंपली इस फंक्शन कॉल को यहां से कट करता हूं और यूज मेमो हुक को कॉल करते हैं। सिंपली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन पास करते हैं देन एक डिपेंडेंसी एरे और जो फर्स्ट फंक्शन हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इसमें सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूं सम अप टू 10,000 और कोड को सेव करते हैं। अभी अगर मैं अपने इस काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जो मेरा सम अप टू फंक्शन है वो कॉल नहीं हो रहा है बट मेरी काउंट स्टेट अपडेट हो रही है। सो यहां पे बेसिकली हमने अपने कंपोनेंट को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लिया है। अभी अगर कल को एक हैवी कैलकुलेशन होती है जिसमें मैं एक बड़े नंबर का सम फाइंड आउट करता हूं तो उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं इस कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। यहां पर मैंने दो बार यूज मेमो हुक को कॉल किया है, इसको मैं सिंपली एक ही कॉल में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसके लिए सिंपली मैं दूसरे वाले यूज मेमो कॉल को हटा देता हूं और यहां पर ये जो सम 1000 वेरिएबल था उसे मैं एक एरे में चेंज कर देता हूं सम 1000 और सम 10,000 और कॉल बैक फंक्शन में सिंपली एक वैल्यू रिटर्न करने की जगह मैं एक एरे रिटर्न कर देता हूं जहां पे सिंपली मैं 1000 और 10,000 दोनों नंबर के सम को कैलकुलेट
एफिलिएट करता हूँ, अभी अगर मैं इस कोड को सेव करूंगा और मैं इस काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा सम अप टू फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रहा है। सो अभी तक हमने ये देख लिया है कि यूज मेमो हुक करता क्या है। यूज मेमो हुक सिंपली वैल्यूज को मेमोराइज करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या मुझे हर फंक्शन के लिए यूज मेमो हुक को यूज करना चाहिए? सो रिएक्ट रेकमेंड करता है कि हमें यूज मेमो हुक तभी यूज करना चाहिए जब हम जिस एरे पे लूप रन कर रहे हो उसमें 1000 से ज्यादा एलिमेंट्स हो, या फिर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो 1 मिलीसेकंड या 1 मिलीसेकंड से ज्यादा का टाइम ले रही हो, तभी हमें उस फंक्शन को मेमोराइज करने के बारे में सोचना चाहिए। सो अगर हम हर फंक्शन को मेमोराइज कर देंगे तो उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम बस अपने कंपोनेंट की रीडेबिलिटी को ही अफेक्ट कर रहे हैं। सो अब सवाल उठता है, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मेरा कौन सा फंक्शन कितना टाइम ले रहा है? सो उसके लिए हम कंसोल के टाइम मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कंसोल डॉट टाइम मेथड का यूज करता हूँ और ये जो टाइम मेथड है ये हमसे एक यूनिक स्ट्रिंग लेता है। यहाँ पे मैं सिंपली टेस्ट पास कर देता हूँ और जो सम अप टू फंक्शन है वो मैं कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं 10,000 पास कर देता हूँ, 10,000। और इस फंक्शन कॉल के बाद मैं सिंपली ये जो कंसोल डॉट टाइम है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अभी मुझे यहाँ पे कॉल करना है टाइम लॉग। अभी ऐसा करके जब मैं कोड को सेव करूंगा और ब्राउजर में जाऊंगा तो हम देखेंगे कि जो टाइम मुझे मिल रहा है लाइन नंबर 24 से लेके 28 तक का वो है 0.15 ms। सो इसका मतलब है मुझे इस सम अप टू को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1 ms या उससे ज्यादा का टाइम लेता तब मुझे इसे मेमोराइज करने की जरूरत है। अभी हम इस नंबर को थोड़ा बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ और अब देखते हैं ये कितना टाइम ले रहा है। सो अभी ये जो टाइम ले रहा है वो है 24651 ms। तो अब मुझे इस फंक्शन को मेमोराइज करने की जरूरत है। अगेन मैं चीजों को समराइज कर देता हूँ। यूज मेमो हुक रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है वैल्यूज को मेमोराइज करने के लिए। रिएक्ट यूज मेमो का हुक रेकमेंड करता है कि हम तभी यूज करें जब हमारे फंक्शन कॉल में कोई एक ऐसा एरे हो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर कोई फंक्शन जो 1 ms या फिर उससे ज्यादा का टाइम ले रहा हो। अगर हम हर फंक्शन को यूज मेमो में रैप करेंगे उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम सिंपली अपने कंपोनेंट की रीडेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। सो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है यूज मेमो हुक के बारे में।